बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ऑल फॉर यू कुकिंग एंड ब्लॉग के किचन में खुश आमदीद। आज जो है ना, मौसम जो है कई दिनों से अबरालूद है। कभी बारिश होने शुरू हो जाती है, कभी सिर्फ मौसम ही ऐसा रहता है, अबरालूद होता है। ठंडी ठंडी हवाएं हैं, सर्दी बे इंतहा है, और आज भी सुबह से बारिश है। आज अतैब का पेपर भी था, आखिरी पेपर था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आतिफ का पेपर भी जो है वो कल ख़त्म हो गया, पेपर उसके भी, और कल आखिरी पेपर था उसका भी, और उसको बहुत दूर से लेके आना होता है तो बारिश में जो है ना लाना मुश्किल हो जाता है तैयब के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसके भी पेपर ख़त्म हो गए। और अबू बकर है ना, ये देखें गमलों की मिट्टी में हाथ डालते रहते हैं हर वक्त, और मैं इनको मना करती रहती हूँ मिट्टी में हाथ मारने से। और आज जो है काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, तो अभी मैंने कुछ तबीयत भी नासाज है, कुछ हाथ भी ज़ख्मी हैं, तो अभी सफाई शुरू नहीं की मैंने, सिर्फ ऐसी चीज़ें समेटी हैं। और मौसम जो है ना वो बहुत ही ख़राब सा हो रहा है, और ये देखें शीशे वगैरह सब जगह से बंद कर दिए हैं, दरवाजे खिड़कियाँ सब शीशे बंद हैं। ठीक है, ये देखें आप, और अबू बकर मुसलसल अपनी साइकिलों में, और एक साइकिल नहीं चलाते जी, दो दो साइकिलें चलाते हैं। ये देखें एक साइड पर रखी होती है, कभी वो चलाना शुरू कर देते हैं और कभी वो चलाना शुरू कर देते हैं। तो मैं बना रही हूँ आज गोश्त, और ज़रा रफली सा आज काम करूँगी क्योंकि हाथ भी ज़ख्मी है, तबीयत भी ठीक नहीं है कुछ, तो गोश्त बना रही हूँ। गोश्त को मैंने धो लिया है, यहाँ कुकर में जो है ना वो मैंने 1.5 गिलास पानी डाल के रखा है। प्याज और लहसुन भी काट लिए हैं, यहाँ पर कुछ मसाले हैं मेरे पास, नमक मिर्च हल्दी और गर्म मसाला और ज़ीरा। तो यहाँ पर ही मैं डालती हूँ पहले गोश्त, प्याज और लहसुन, ये मैंने डाल दिया। और आतिफ जो है ना वो दही लेने गए हुए हैं, आज दही नहीं मौजूद घर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाले भी डाल दिए। ठीक है, बंद कर देते हैं कुकर को तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, क्योंकि ये बकरे का गोश्त है, जल्दी गलेगा। ठीक है, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मोटर चली हुई थी ऊपर, टंकी पानी की भर चुकी है, तो अबू बकर कह रहे हैं आंटी को नीचे के मोटर बंद कर दें, आवाज़ नहीं आ रही। देखिए आंटी किधर है, तो मोटर बंद कर दी है पानी की। और आतिफ जो है ना वो छतरी लेके गए हुए थे दही लेने के लिए, क्योंकि हालांकि बारिश बहुत हल्की है, बहुत ही शावर सा है, सिर्फ कहीं कहीं छींटे हैं, लेकिन उनको छतरी लेके जाने का शौक़ है, तो वो छतरी लेके गए हुए हैं। अब देखें कि आते हैं कि नहीं, लेकिन चलने की जगह नहीं है। देखें नीचे बहुत ही गंद हो चुका है, बिल्कुल चलने की जगह नहीं है, पता नहीं लोग कैसे चलते हैं। सॉक्स वगैरह तो पहना के कोई फ़ायदा ही नहीं है बच्चों को भेजने का। आतिफ आ रहे हैं, यहाँ से नज़र आ रहे हैं आतिफ, ये देखिए, ये देखिए जी, ये आ रहे हैं आतिफ दही लेके। देखा आपने, और छतरी पता नहीं कहाँ है इनकी, अभी पूछती हूँ कि छतरी कहाँ है। आगे भाई, आगे नजर, देखें जी अब छतरी का शौक तो अबू बकर को भी बहुत है, और देखें छतरी खुल गई है। ठीक है, तो आतिफ छतरी लेके गए थे, बारिश तो इतनी नहीं हो रही, और छतरी आपने खोली भी नहीं थी। अच्छा अच्छा, ये देखें जी, देखें जी, बेबी वाली छतरी है, छोटी सी है। चलो अंदर चलें, खाना बनाएं, चलो आओ आओ, दरवाजा बंद करो, बहुत ज्यादा सर्दी है।
छतरी का भी दिया पांचा हो गया जी, इसी तरह खेल खेल के। अच्छा जी, 15 मिनट के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त जो है वो गल चुका है मुकम्मल, तो दही भी आ चुकी है। तो इसमें हम हसबे ज़रूरत घी डालेंगे, ठीक है। घी ज़रा निकालने में मुश्किल हो रही है क्योंकि जमा हुआ है बिल्कुल घी जो है ना, सर्दी बहुत है, ठीक है। तो हसबे ज़रूरत मैं घी डालूंगी, तकरीबन 5 खाने के चम्मच होंगे, ये 100 ग्राम के करीब घी है। इसको भूनना है, फ्लेम को मैंने मीडियम से थोड़ा सा ऊपर ही रखा हुआ है क्योंकि इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी है गोश्त में, ठीक है। अच्छा, साथ ही मैं दही भी डाल रही हूँ, हसबे ज़रूरत मैं दही डाल दूँगी। और मैंने आपको बताया कि आज कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, और मेरे जो है ना हाथ भी ज़ख्मी हैं, तो इस वजह से काम जो है वो थोड़ा रफली रफली हो रहा है बस, ठीक है। तो इसको भून लेंगे जी, पानी खुश्क होने से लेकर और इसके घी छूटने तक हम इसको भूनेंगे जी। भुन रहा है गोश्त, तो हम इसमें डाल देंगे, ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ भुना हुआ, धनिया है 1 खाने का चम्मच भून के पिसा हुआ, और ये हमने इसमें चीज़ें डाल दी हैं और इसको भूनते रहेंगे जैसे ये दो। तो अब इसी के साथ हम इसमें 1/2 चाय के चम्मच लाल मिर्च का दड़ा मिर्च जो होती है कुटी हुई, चिली फ्लेक्स वो डालेंगे, इससे ना बड़ा अच्छा लुक आता है, ये टच है इसका, टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए जी, भुनने के करीब हो गया, ये देखिए ऑयल जो है ना इसका छूट गया है साइडों से, और 2-1 मिनट और मज़ीद भून लेंगे हम इसको। अच्छी तरह से भुन गया है सालन, पानी डालेंगे हसबे ज़रूरत, मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी डाला है, मुझे इतना ही शोरबा चाहिए। तो जितना आप लोग, अगर ये रेसिपी आप एज ए रेसिपी देख रहे हैं व्लॉग वैसे तो ये एक व्लॉग है, तो आप अपनी मर्ज़ी से पानी डाल लें। अब इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे ढककर। गोश्त तो हो गया है तैयार, देखिए मैंने रख दिया है साइड पर, और यहाँ पर मैंने तवा रखा है। अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ, इस तरह मैं सेटिंग करती हूँ क्योंकि जो ये मेरा बेलना है ना, इसकी 1 कील जो है ना वो नीचे से टूट चुकी है, तो वो मैं इसको 2 कील जो है ना वो शेल्फ पे ऐसे लगा के रखती हूँ और बड़ी अच्छी सेटिंग हो जाती है, तो मैं इससे जो है ना वो बना लेती हूँ रोटी। तो रोटी बनाने लग रही हूँ, और तैयब भी आ गई हैं स्कूल से, आखिरी पेपर था, अब सिर्फ मंडे जाना है। आतिफ ने भी सिर्फ मंडे को जाना होता है, असाइनमेंट्स मिली हैं, आतिफ को काम करना है, तो मैं रोटी बना लूँ तब तक। और अल्हम्दुलिल्लाह सफाई भी हो चुकी है, ये देखें, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सफाई हो गई है सारी, और लाइट्स जो है ना वो ऑफ हैं, तो क्योंकि लाइट्स यहाँ पे कम हैं, ठीक है। तो चलिए मैं रोटी बना लूँ और सबको खाना दे दूँ, और यहाँ पर पानी रखा हुआ है गर्म होने के लिए। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। आटा है और मैं रोटी बनाने लगी हूँ, पेड़ा लिया है मैंने, और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी से पूरा हो जाए। और हर वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आपने सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा जी, मेरी हौसला अफज़ाई होती है। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।